देखो ऐसा है, अपन अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, एक सिद्धांत है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महिताम न उपकरण। महिता मतलब बड़े कार्य, क्रिया सिद्धि मतलब कार्य में सफलता। सत्य से ही वर्ड हम लगा रहे हैं अपनी तरफ, से ही होती है, शॉर्टकट से नहीं, ट्रिक से नहीं। छोटे काम में हो सकती है सफलता ट्रिक से, बड़े कार्यों में तो सफलता जो है वो सत्य से ही होगी। किसी को आप असत्य बोल दो, एक बार मान लो पकड़ा गए, विश्वास चला जाएगा, आदमी सच बोलता है, बात खत्म। कोई कितना भी उसमें कुछ करना डाले, विघ्न डालना चाहे, वो कोई विघ्न काम नहीं आएगा, क्योंकि आपकी रेपो वैसी बनी है कि नहीं, वो व्यक्ति ने असत्य भाषण का सवाल ही नहीं उठता। तो शॉर्टकट नहीं चलेगा, ट्रिक नहीं चलेगी। इतनी छूट व्यवहारिक दृष्टि से बोल सकते हैं कि भाई कोई भी सत्य कहना हो तो थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर दो, ऐसा वो सीधे चुभे ऐसा मत कहो, प्रिय वचन में उसको सत्य बता दे कि तेरे हित की बात तेरे को एक बताऊँ, ये तू बुरा नहीं माने तो ऐसा 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 कर, मेरी दृष्टि में, बाकी तेरी इच्छा। बोल सकते हैं इस वर्ड में, किसी की कोई आदत है कुछ है, जब चित्त उसका शांत हो अपना शांत हो तो सुझाव के रूप में उसको बता सकते हैं कि देख ये जो चीज़ है ये मेरी दृष्टि में तो ठीक नहीं। तो कहीं रिलेशनशिप में सच कोई दिक्कत आती नहीं है, और ये अपना भ्रम है, वो ईगो वाली बात जो अपन लेने वाले थे, आपने याद दिलाना रह गए कि अभी अहंकार अपना सीमित है। अभी मैं मतलब अपन एक शरीर मान लेते, जैसे मान लो एक बॉटल है, उस बॉटल की कैपेसिटी 100 ml की है, तो आकाश तो व्यापक है स्पेस, लेकिन बॉटल के शेप के कारण वो स्पेस कन्फाइन हो गई 100 ml में। सिमिलरली जिसको आपने ईगो पढ़ा समझा, वो ईगो ने कन्फाइन कर दिया कॉन्शियसनेस को कि अभी जो मैं करके आता है उसमें मैं स्वयं आ जाता हूँ, या पति पत्नी आ जाते हैं, या बच्चे आ जाते हैं, या माता पिता आ जाते हैं। जैसे जैसे वो ईगो व्यापक होगा, बड़ा होगा, जैसे मैं मतलब ये कमरा, स्पेस मतलब ये कमरा, फिर ये घर, तो वैसे वैसे पूरा जगत अंदर आ जाएगा। इस पे चिंतन की बहुत आवश्यकता है, या तो ईगो डिसॉल्व हो जाए, बॉटल का शेप डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, तो जो अंदर स्पेस है वो इन्फाइनाइट हो गई, या बॉटल का शेप बढ़ जाए, इन्फाइनाइट हो जाए, तो भी इन्फाइनाइट हो गई। ये दो तरीके हैं आसक्ति से मुक्त होने के, कि मैं करके, जैसे मान ले उदाहरण समझो कि अपने दांत से अपनी जीभ कट गई, तो अपन दांत को तोड़ने लगते हैं क्या? क्यों? क्योंकि अपन ने दोनों में अपनी अहमता, अपना ईगो दोनों में, दांत में भी है, जीभ में भी। एक साधु जी प्रवचन सुनाते हैं जिनके हम फैन हैं, स्वामी रामानंद जी सरस्वती, वो कहते हैं एक सेठ थे, वो सेठ कह लो या बाबा कह लो, वो अपने आश्रम में किसी को नौकर रखा, कोई काम करता हो, भंडारी, कोठारी बोलते हैं शायद उसको, कोठे की देखभाल करता है, तो कुछ चोरी वोरी करता होगा तो फिर उसको निकाल निकुल दिया, या चला गया, वो पकड़ा गया, वो फिर आया तो फिर रख ली, वही काम दिया उसको। जब लोग बाग वो जो कुछ होते हैं ना, मैनेजमेंट ट्रस्टी वस्टी ऑब्जेक्शन लेते, तो वो यही उदाहरण देते थे कि मेरा लड़का हो, तुम्हारा लड़का हो, और वो ऐसे ही हरकत करते हुए पकड़ा जाए तो तुम क्या करोगे? ऐसी बहुत सी बारीक बारीक चीज़ें, क्योंकि ये जो बुद्धि में बैठ गया कि बगैर ममत्व के काम नहीं हो सकता, ये बुद्धि में बैठा है, वो तर्क से ही कटेगा। जो बुद्धि में अपन बैठा लिया कि बगैर ममत्व के काम नहीं हो सकता, ये बुद्धि में ही बैठा है और कुछ नहीं है। सारी चीज़ें जिन जिन का महत्व आपकी बुद्धि में बैठा है, तो मन वहाँ वहाँ सरेंडर हो गया। जैसे अभी मान लो पतंजलि का योग सूत्र सुनने का महत्व बैठ गया, तो बाकी काम सरेंडर हो, मन भी चुपचाप है, ज़्यादा उपद्रव नहीं कर रहा, फ़ोन भी कई बार वो देखते हैं, अरे ठीक है बंद कर दो उसको, भी बाद में देखेंगे,
हाँ, वो बुद्धि में महत्व बैठ गया, पतंजलि बुद्धि में महत्व बैठा। बस जिस चीज का महत्व बुद्धि में बैठ जाएगा तो मन और इंद्रियां उपद्रव नहीं करेंगे, बस बुद्धि में महत्व बिठाना है। अभी नाम का बैठ गया, मान लो धन का बैठ गया, गाड़ी का बैठ गया, घोड़े का बैठ गया, जड़ का बैठ गया, अभी मोक्ष का महत्व नहीं बैठा, इसलिए रुझान कम होता है। बच्चा पूछ रहा था मैं क्या करूं कि मेरा पढ़ने में मन लगे, पढ़ाई का महत्व बिठा ले, बुद्धि में लग जाएगा। तो आज की जनरेशन जो यंग बच्चे हैं, मान लो पढ़ते नहीं हो तो उनकी बुद्धि में पढ़ाई का महत्व बैठाना। तो महत्व जब तक बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक डाइजेस्ट नहीं होगी वो चीज, पचेगी नहीं, पचेगी नहीं। तो महत्व तो बुद्धि में ही बैठाना, और बुद्धि में यदि बैठा तो एक तो तर्क से जाएगा, दूसरा दृष्टा साक्षी से जाएगा। कामना के, वासना के तीन स्थान, कामना होती है ना डिजायर, उसकी तीन जगह, एक इंद्रियां, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि। बस जैसे मान लो, उदाहरण देते हैं कई बार कि कोई डायबिटिक पेशेंट, जीभ में इच्छा है खाने की, जीभ में होती नहीं पर मान लो खाने की, तो उसको मन से कंट्रोल कर ले, अभी इतना मिलेगा उतना मिलेगा, कल देंगे परसों देंगे। मन में इच्छा हो तो बुद्धि से कंट्रोल करके नुकसान, पर बुद्धि में ये बैठ जाए ना तो सबसे खतरनाक। डायबिटिक पेशेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो और उसकी वासना, कामना, इच्छा बुद्धि में बैठ जाए तो क्या होता है, बहुत खतरनाक। वो क्या कहेगा, डायबिटिक है 40 का, कि 100 वर्ष तक बगैर मीठा खाए जीने की बजाय 50 वर्ष की आयु में देह त्याग करना ज़्यादा अच्छा है, पर सारे सुख का भोग करना चाहिए। उसकी बुद्धि में जस्टिफाई कर दिया, किसको, उसकी डिज़ायर को। तो जब हमारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं हम जस्टिफाई करने लग जाए, इसका मतलब है कि वो बुद्धि में घुस गई। पैसा कमाना हमारा धर्म है, फलाना करना हमारा धर्म है, धर्म मतलब वो तो हम करेंगे, क्योंकि उस वासना ने बुद्धि को पकड़ लिया, बस और कुछ नहीं हुआ। इंद्रियों में होगी तो मन से निकल जाएगी, मन में होगी तो बुद्धि से निकल जाएगी, बुद्धि में होगी तो वो दृष्टा ही निकालेगा उसको। आपके प्रश्नों का स्वागत है, आपके सारे प्रश्नों का स्वागत है। बहुत खतरनाक स्थिति, और दिक्कत यही है कि आजकल वो जो भी है ना, कामना, वासना, वो सब बुद्धि पे तुरंत कब्जा कर रही है, एक हटाओ नहीं कि दूसरी तैयार हो जाती है।